हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्प वाटिका गोंडा पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स ने जानने की कोशिश की है कि आप हमें एक अच्छा सा सुपर पावर फर्टिलाइज़र गुलाब के लिए बताइए। तो आज मैं उसी विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि एक अच्छा ऑर्गेनिक और रासायनिक दोनों मिला करके पावरफुल जो फर्टिलाइज़र है गुलाब के लिए, उसको कैसे बना सकते हैं। ये मेरे सामने जो पौधा देख रहे हैं, इसमें ये जो इतनी सारी कलियाँ बनी हैं, ये उसी फर्टिलाइज़र का परिणाम है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है बर्मी कंपोस्ट, जो मैं इसमें मिला चुका हूँ। बर्मी कंपोस्ट आपको एक मुट्ठी लेना है, कम से कम एक मुट्ठी, इतना करके एक पौधे के लिए मैं बता रहा हूँ मेजरमेंट। यहाँ पे आप उसके अनुसार आप बना लेंगे आगे आपके जितने पौधे हैं। फिर इसमें हम आपको एक चम्मच मैंने बोन मील मिलाया हुआ है। अगर आप बोन मील मिलाना नहीं चाहते हैं तो आप सिंगल सुपर फास्फेट मिला सकते हैं। फिर इसमें मैंने ये रॉक फास्फेट मिलाया है एक चम्मच, जो इसमें पहले से मिला हुआ है। अब दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें DAP के कुछ दाने लेने हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट के। एक पौधे में ज़्यादा नहीं लेना है, अंदाज से आप 20 दाने ले लीजिए और ये 20 दाने इसमें डाल देंगे हम। 20 दानों से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका गमला बड़ा है, 10 इंच से ज़्यादा है, तो आप 12 और 15 दाने कर सकते हैं, और बड़ा है आपका गमला तो उसके अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये NPK सुफोला NPK 19:19 हम आधा चम्मच मिलाएंगे। कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र जो NPK का होता है उसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास 20-20 है तो 20-20 ले लीजिए, 18-18 है तो 18-18 लीजिए, 19-19 है तो 19-19 लीजिए। ये देखिए, इससे ज़्यादा आपको इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्प्रे भी आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डाल करके पौधों के ऊपर कर सकते हैं। अब हम सारे फर्टिलाइज़र्स को मिला लेंगे। अच्छे तरीके से देखेंगे आप, ये सारे फर्टिलाइज़र जो इसमें हमने मिलाए हैं, इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। पूरा फर्टिलाइज़र मिल जाएगा जब, तब हम इसमें एक गमले के लिए हम डालेंगे। ये एक गमले के लिए ही है, आप चाहें तो आप इसको 2 गमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका गमला छोटा है, 10 इंच का है तो, नहीं तो आप इसको 1 गमले में इस्तेमाल कीजिए। आप जानते हैं कि जो गुलाब का पौधा होता है वो हाई फीडर है, इसको खुराक बहुत अधिक चाहिए, खाना भोजन बहुत अधिक चाहिए। अब देखिए, मिलने के बाद इसका कलर इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए। अब क्या करना है, इसको डालने से पहले हमें इस गमले के चारों ओर की मिट्टी को थोड़ी गुड़ाई कर लेनी है, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा। देखिए कितनी पोरस मिट्टी में ये गुलाब का पौधा लगा हुआ है। अब गुड़ाई करके हमें मिट्टी को बाहर नहीं निकालना है, बल्कि क्या करना है, इसी साइड में कर देना है, इस साइड में कर देना है, थोड़ा सा इस साइड में कर देना है, और इस साइड में हमें हाथ से ऐसे एक मुट्ठी लेकर के इसको इसे डाल देना है। फिर इसको हमें बंद कर देना है, फिर दूसरी तरफ हम ऐसे करेंगे, यानी गुलाब के चारों तरफ ये चीज़ें पड़ जानी चाहिए। फिर हम दूसरी तरफ ऐसे डालेंगे, फिर इसको हम बंद कर देंगे, और फिर इसको ऐसे करेंगे, देखिए आप, और इसके बाद हम इसमें ये लेंगे और इसको मिला देंगे इस तरफ, और इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये 3 तरफ हो गया। अब हमें इस तरफ करना है, सामने वाले की तरफ हमें करना है। जितना हमारे पास बचा हुआ है टोटल हम इसमें डाल देंगे, ये हाई फीडर है। अब आप इसको, इसके अंदर आपको 15 या 20 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे, इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे कि कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद आपको पानी डालना बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर आपका गमला गीला है तो आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें, जब मिट्टी सूख जाए तभी आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, लेकिन फर्टिलाइज़र के बाद आप इसमें पानी डालना कतई ना भूलें। पानी बहुत ज़रूरी है ताकि वो पौधा धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर लेगा पानी को। अब देखिए, मैं डाल रहा हूँ, अभी देखेंगे आप,
पानी जैसे डालता हूँ वैसे नीचे चला जा रहा है। इसी को कहते हैं अच्छी क्वालिटी की मिट्टी या अच्छे क्वालिटी का सॉइल बनाना, जो मैंने आपको कल सिखाया था अपने वीडियो में। आप भी इसी तरीके की सॉइल बनाइए और अपना पौधा, ज़रा सा भी पानी खड़ा नहीं हुआ गमले में। अब जो मैंने फर्टिलाइजर इसको दिया है, ये आराम से धीरे धीरे इसमें घुलता जाएगा और धीरे धीरे पौधों को सारे न्यूट्रिशंस, सारे मिनरल्स या सारे जो भी कैल्शियम है सब मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा फर्टिलाइज़र आप बनाइए और बना करके अपने गुलाब में दीजिए। आपका गुलाब खूब फले और फूलेगा, खूब कलियाँ बनेंगी, पौधों की साइज़ बड़ी होगी और किसी भी तरह का इसमें कोई फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल ना करें। हम अब ये देखिए, पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ये है बर्मी कंपोस्ट, एक मुट्ठी लेना है। एनपीके 1919 बैलेंस फर्टिलाइज़र लेना है। रॉक फॉस्फेट लेना है एक चम्मच और 20 दाने आपको लेने हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट के, यानी DAP के। इतना मिला करके आप फर्टिलाइज़र बनाइए। ज़्यादा गुलाब हैं आपके पास में तो उस अनुपात में ज़्यादा बना लीजिए, किसी एयर टाइट जार में भर कर रख दीजिए और समय समय पर प्रयोग कीजिए। NPK का छिड़काव आप आधा चम्मच 1 लीटर पानी में लेकर के अपने सारे पौधों पर कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे आपके लिए बहुत सारे वीडियो इस तरह के लाता रहूँ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।